तो भाई एंजेलो मैथ्यूज के साथ आप देखे तो बहुत भयानक चीज हो गया, बहुत गलत चीज हो गया, नहीं होना चाहिए। बताइए, एक को गेंदा नहीं खेले, एक को रन नहीं मारे, तो उनको आउट दे दिया गया। मतलब एक को बॉल को फेस भी नहीं किया और वो आउट हो गए। अब कैसे आउट हो गए, तो उनको टाइम आउट दे दिया गया। जी हाँ, यानी कि जब बैट्समैन आउट हुआ और एंजेलो मैथ्यूज को उतरना था तो वो उतरने में देरी किए, जिसके कारण एम्पायर ने उनको आउट दे दिया। ऐसा होता है, जी हाँ, अगर कोई बैट्समैन आउट होता है और उसके बाद आपको उतरना होता है, लेकिन आप लेट से उतरते हैं, जितना टाइम दिया जाता है उतना टाइम में नहीं उतरते हैं, तो जो विपक्षी टीम है वो अपील करके आपको आउट करवा सकती है, जैसा कि एंजेलो मैथ्यूज के साथ हुआ है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच हो रहा है, सदीरा समर विक्रमा के आउट होने के बाद 2 मिनट के अंदर उतरना था एंजेलो मैथ्यूज को, लेकिन 2 मिनट के अंदर नहीं उतरे एंजेलो मैथ्यूज, जिसके कारण बांग्लादेश की टीम ने अपील किया और एंजेलो मैथ्यूज आउट हो गए। बाकी एंजेलो मैथ्यू ने बताया कि देखिए टोटल हैमलेट था, टोटल हैमलेट के चलते हमको लेट हो गया, लेकिन एम्पायर तो कुछ बात समझा नहीं और ये बांग्लादेश इतना चोर टीम है कि अपील कर दिया और आउट मिल गया। एम्पायर भी क्या कहे भाई, नियम है नियम, नियम पर आउट देना ही पड़ता है। बाकी एंजेलो मैथ्यू अपने टूटे हैमलेट को लेते हुए वापस अपने पेविलियन की ओर चल पड़े और काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे। बाकी आप बताइए किस पर आपका कहना है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, सब्सक्राइब करके जाइएगा।